क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दिया हुआ है वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। मैंने केवल काम का पार्ट लिखा है, बाकी समझा देता हूँ कि ये यहाँ एक से लगाकर 100 मीटर की ऊंचाई इसकी दी गई है, ठीक है। इसमें गमले रखे हैं जो कि 100 मीटर तक की दूरी तक रखे हैं। ये लाइनें हैं जिनमें लड़कियाँ दौड़ेंगी, ठीक है। ये स्कूल के प्लेग्राउंड का सिस्टम है। अब यहाँ पर देखो कि निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4 भाग दौड़कर एक हरा झंडा गाड़ देती है, तो जो निहारिका है वो कहाँ दौड़ेगी, दूसरी पंक्ति में, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति यही तो है, देखो ये क्या है, दूसरी पंक्ति है, ठीक है। निहारिका इसी पंक्ति में दौड़ती है, और कितना दौड़ती है, इस जो एडी है 100 मीटर की, इसका 1/4 भाग। तो निहारिका की अगर हम निहारिका की दौड़ की दूरी की अगर हम बात करें, ठीक है, निहारिका की दूरी या उसके झंडे की दूरी की बात करें, ठीक है, झंडा भी तो वो वहीं गाड़ती है, झंडा की दूरी तो वो कितनी होगी, तो वो दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है। तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर ये ऐसे होता है, ठीक है, मूल बिंदु 0.0। तो अगर हम इस तरफ को देखें, यानी एक्स अक्ष, ये हो जाएगा वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर अगर देखें तो निहारिका एक्स अक्ष पर 2 वाले लाइन में दौड़ रही है, यानी एक्स अक्ष पर हम 2 ले लेंगे, ठीक है। वाई अक्ष पर हम बात करते हैं तो वो कहता है कि 1/4 भाग किसका, एडी का। तो एडी का अगर 1/4 भाग आप यहाँ पर निकालो, एडी कितनी है, एडी का 1/4 भाग, एडी कितनी है 100, तो 100 का 1/4 का मतलब हुआ 25, ठीक है। तो वो 25 मीटर पर, तो यहाँ से हम लिख लेंगे इसको 25, तो 25 मीटर पर जाती है, यानी कि लगभग इतनी ऊंचाई पर वो आकर यहाँ पर झंडा अपना गाड़ देती है, ठीक है। निहारिका ने अपना झंडा यहाँ पर गाड़ दिया, आई बात समझ में, ठीक। इसके बाद में हम बात करते हैं अगली लाइन की, तो कहता है कि 1/5 प्रीत, जो प्रीत है वो 8वीं लाइन में एडी का 1/5 भाग। तो हम प्रीत के निर्देशांक, दूरी नहीं, इसको निर्देशांक बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रीत के निर्देशांक निकाल लेते हैं, प्रीत के निर्देशांक, तो 8वीं लाइन में दौड़ती तो पहले ही 8 ले लो, क्योंकि एक्स अक्ष पर 8 हो जाएगा। एडी का कितना, 1/5, तो सीधी सी बात है, 100 × 1/5 करेंगे, तो 100 × 1/5 करेंगे तो आ जाएगा 5 × 5 = 10, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 20, ठीक है। तो यहाँ से इसका आ जाएगा 20, यानी कि जो प्रीत होगी वो इसमें 20 की डिस्टेंस पर होगी अगर बात करी जाए, तो यहाँ पर वो अपना झंडा गाड़ देती है, ठीक है। और ये हो जाएगी इनके बीच की दूरी का लाइन, इसके जो कोऑर्डिनेट्स निकले हैं वो 2.25 निकले हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स निकले हैं वो 8.20 निकले हैं। अब आपको इनके बीच की दूरी निकालनी है, क्या निकालें, इनके बीच की दूरी निकालनी। देखो लिखा है बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए हम लिखेंगे बीच की दूरी। इसके लिए हम कुछ मान लेते हैं, जैसे इसको ए मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें ए डी निकालनी है। दूरी सूत्र आपने एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा था, x1 − x2 ² + y1 − y2 ²। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे x1 यानी कि 2 − 8 ², क्योंकि इसे मानेंगे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। तो x1 − y1 ² होता है, x1 − x2 ² ये मुझे क्वेश्चन का फॉर्मूला
थोड़ा सा दिमाग मिलाना पड़ेगा। चलो लगा के देखते हैं। X1 माइनस, तो दूरी का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा X1 माइनस X2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 माइनस Y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं रख देता हूँ तो 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा X2 8 होगा, प्लस Y1, तो Y1 का मान है 25 माइनस Y2 का है 20 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा 5 का स्क्वायर। तो आप बहुत आसानी से ले सकते हो इसको, 6 छंग 36 प्लस 5 25, जोड़ने पे ये रूट का 61 आ जाएगा। तो ये जो आ गई, ये बीच की दूरी आ गई। ठीक है, अब हमको बोला था कि यदि रश्मि बी पॉइंट में, तो बोला यदि रश्मि नीला झंडा दोनों के बीच आधी दूरी पर गाड़ दे तो वह झंडा कहाँ गाड़ेगी। तो दोनों के बीच कहीं आधी दूरी पर ये अपना झंडा गाड़ देती है, इसको हम पी मान लेते हैं। पी के निर्देशांक हम मान लेते हैं X, Y। तो हमें X, Y अगर फाइंड करना है तो फिर हमें मध्य में एकदम बोला ना, तो रश्मि का झंडा कैसा है, नीला। ठीक है, नीले झंडे के निर्देशांक, ठीक है, नीले झंडे के निर्देशांक, वो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला आपको जानने के लिए मैंने आपको पहले ही बेसिक सब समझाया था, तब तो बताया था कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला आपको याद होगा, ये देखिए मिड पॉइंट फार्मूला आपको बताया था। मिड पॉइंट फार्मूला X=X1+X2/2, Y=Y1+Y2/2। ठीक है, तो मिड पॉइंट फार्मूला अगर हम लगा दें यहाँ पर, तो इसके लिए आ जाएगा X=X1+X2/2, Y= आ जाएगा Y1+Y2/2। ओके, तो X1+X2/2, तो यहाँ पर X1 है 2 और ये है 8, तो आ जाएगा तुम्हारे पास 2+8/2। इधर y में क्या आ जाएगा, तो Y1+Y2 की भी वैल्यू देख लो, 25 और 20 है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 25 20 कितना होगा भाई, इसको मैं से मोड़ देता हूँ, 25+20/2, तो यहाँ से आ जाएगा X=10/2, काट लो तो 5 आ जाएगा। ठीक है, X बराबर मिल गया 5, Y= आ जाएगा हमारे पास 45/2, काटेंगे तो आ जाएगा 22.5। तो उसके जो नीले वाले के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए, वो क्या आ गए हमारे पास, निर्देशांक हमें मिल गए 5, 22.5। यही हमारा आंसर होगा, और एक आंसर आपका √61 यहाँ पर आया था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ओके, अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतने किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब देखो आपको सारे बिंदु दे दिए, ठीक है, तो ये विभाजन बिंदु है, ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक हैं। इस तरीके से आप समझो, आपके पास ए बी एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स -3, 10 हैं, ठीक है, और 6, -8 है। इसी बीच एक पी बिंदु भागकर कहीं से आता है, पी वही कुछ भी मान सकते हो, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 6 हैं, वो इसको काट देता है। अब वो पूछ रहा है कि बताइए कि ये पी बिंदु जो है इस भुजा को किस अनुपात में काटेगा। तो अनुपात मान लेते हैं M1, इसका मान लेते हैं M2, और यही M1 M2 के वैल्यूज़ जो हमको गए हैं ज्ञात करना है। ठीक है, तो M1 M2 के वैल्यूज़ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फार्मूला लगाओ, X=M1 X2+M2 X1 M1+M2। अब जैसे कि यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो एम यहाँ पर X1 Y1 X2 Y2 और ये X है, ये Y है। ठीक है, तो X की जगह पर मैं लिख सकता हूँ -1, क्योंकि वैल्यू हमको दी गई है -1। ओके,
तो माइनस वन, एम वन का मान हमें पता नहीं है, एक्स टू का मान पता है 6, और एम टू हमें नहीं पता है, और एक्स वन का मान दिया है माइनस 3 बटे एम वन प्लस एम टू भी हमें नहीं पता है। इसका हम इधर गुणा कराएंगे तो माइनस का एम वन हो जाएगा, इसका इससे गुणा कराएंगे माइनस एम वन, फिर इसका गुणा इससे कराएंगे, दोनों से कराएंगे, ठीक है। जब बटे एक मान के तिरछी गुणा कराएंगे इस तरीके से, तो इसका हो जाएगा माइनस एम माइनस वन इंटू एम वन, और इसका हो जाएगा प्लस माइनस वन, और गुणे में किससे गुणा होगा, एम टू से, बराबर 6m1 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3m2। इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा माइनस का m1 प्लस माइनस माइनस का m2। ये इधर लाएंगे तो माइनस का 6m1, ये भी इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3m2 बराबर 0, ठीक है। 6m1 और ये 1m1, तो माइनस का 7m1, और ये 3m2 में से 2m2 1m2 घटेगा तो बचेगा प्लस का 2m2 बराबर 0। ये इधर माइनस में है, उधर किस में जाएगा, प्लस में, तो 2m2 बराबर 7m1। ये 7 इधर बटे में भेज दो तो आ जाएगा 2m2 बटे 7 बराबर m1। हमें m1 m2 निकालना है, तो ये m2 उधर बटे में भेज दो, तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, आंसर हमको मिल जाएगा m1 बटे m2, m1 पहले से बटे में m2 गया, बराबर इधर क्या बचा, 2/7। तो टोटल जो आंसर मिलेगा वो m1 अनुपात m2 बराबर 2/7 मिलेगा। आई बात समझ में? अब इस तरीके से आप ये वाला पार्ट सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, y वाला, ठीक है। y इज इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दी है 6 y की, m1 हमें नहीं पता है, और y2 का मान कितना दिया है माइनस 8, प्लस m2 का मान कितना दिया है, m2 का मान हमें पता ही नहीं है, और y1 का मान 10 पता है। ये हो जाएगा m1 प्लस m2, इसका इधर लाएंगे तो हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 बराबर, ये हो जाएगा माइनस 8m1, ये हो जाएगा 10m2, ये 6m1 और ये इधर आएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा 8m1 प्लस का 6m2, ये इधर आएगा तो माइनस का 10m2 बराबर 0। 8 और 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14 m1 बराबर m1, और ये इधर घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 10m2 बराबर 0। 10 नहीं, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, माइनस का 4, ठीक है, 4 ही तो बचेगा, 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4 बचा, ये उधर भेजो, ठीक है, तो आ जाएगा 14m1 बराबर 4m2, ये m2 बटे में भेज दो, उधर 4 बटे में भेज दो, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास m1 बटे m2 बराबर 4/14, काट लो, 2 × 4 2 × 14, तो कितना आ जाएगा, m1 बटे m2 बराबर 2/7, कुल मिला के वही आ जाएगा m1 अनुपात m2 बराबर 2/7, ठीक, वही आंसर फिर आ गया, ओके। अब चलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदुओं, कुछ दिया गया है विभाजन बिंदु दिए गए, जिसमें बिंदुओं 1, -5 और
4.5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है तथा विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए देखो, हमने मान लिया है कि हमारे पास ये एक रेखा है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और एक बिंदु P है जो इसको एक्स कॉमा ज़ीरो पर काटता है। अब ज़ीरो कहाँ से लाए, एक्स तो हमने मान लिया, तो ये एक्स अक्ष पर स्थित है ना, क्वेश्चन ने बोला कि एक्स अक्ष से, तो अगर एक्स अक्ष पर होगा तो वाई के कोऑर्डिनेट्स ज़ीरो मिल जाएंगे, ठीक है। एक्स पर तो कुछ ना कुछ होगा तो उसको एक्स मान लिया, और वाई पर तो कुछ भी नहीं होगा इसलिए उसको ज़ीरो मान लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक्स अक्ष पर वाई के निर्देशांक वाई बराबर ज़ीरो। माना पी ए बी को एम वन अनुपात एम टू में विभाजित करता है, अगर ये एम वन अनुपात एम टू में विभाजित करता है तो हमको एम वन एम टू ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटे एम वन प्लस एम टू, और वाई की बात करें तो वाई वाला आ जाएगा आपके पास वाई इज इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटे एम वन प्लस एम टू। तो इस वाला को हम सॉल्व करेंगे तो इसमें रखेंगे एम वन इंटू एक्स टू, तो कि माइनस की फोर है, एम टू इंटू एक्स वन वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। इसकी बात करें तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू एक्स की वाई की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। और एम वन इंटू एक्स वाई इनको हम मानेंगे, ठीक है। वाई पे ज़ीरो क्यों है, क्योंकि एक्स अक्ष पर जब बनाओगे इसे, ठीक है, तो कोई बिंदु यहाँ पर जैसे है एक्स एक्सिस पर दो पर, तो मतलब वो वाई की तरफ तो उसको जा ही नहीं रहा, वाई की तरफ ज़ीरो है, इसलिए इसके 2.0 लिखे जाएंगे, ठीक है, चीज़ को समझ लेना। तो यहाँ पर एम वन वाई टू, वाई टू का मान कितना है 5 है, प्लस एम टू इंटू वाई वन, वाई वन का मान माइनस 5 है, अपान में एम वन प्लस एम टू, ठीक है। अब इसको बटे एक मान है, इसका गुणा इससे कर रहा हूँ, तो इसका जब जीरो से गुणा होगा तो सब कुछ ज़ीरो ही बन जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा एम वन या 5m1 लिख लो, ठीक है, 5m1 बराबर प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस लिख देता हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 5m2 और बराबर क्या बचा ज़ीरो, इसको उधर भेज लो तो 5m1 बराबर ये आ जाएगा हमारे पास 5m2। अब अगर आप m2 को बटे में ले आओ, m1 बटे m2 बराबर ये 5/5 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1:1, यानी कि m1:m2 की जो वैल्यू आई वो 1:1 आ गई, ठीक है, आई बात समझ में। अब इनकी वैल्यू यहाँ पर रख लो तो x मिल जाएगा, तो यहाँ पर रख लो 1 × -4 प्लस 1 × 1 अपॉन 1+1, तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 4 प्लस का 2/2, तो ये भी बचेगा -2/2, काट लो तो कितना आया x इक्वल टू आया हमारे पास माइनस का 1, ठीक है। अब ये हमारे पास x इक्वल टू मिल गया माइनस का 1, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछा था ना हमसे, एक मिनट फिर से मैं वैल्यूज़ रख लेता हूँ, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है, तो x1 का वैल्यू 1 ही रखा गया है, ठीक है, इसका वैल्यू माइनस, वो एक्स का वैल्यू भी 1 है, x2 का वैल्यू है -4, -4 प्लस का 1, ठीक है, एकदम राइट है ये। तो इस तरीके से हमें इसके जो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, उसके बिंदु भी पूछा था ना, तो ये जो बिंदु मिल जाएंगे हमको वो -1, 0 मिल जाएंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, 2 आंसर इसके आएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।